ये मेरा L1300 है, एप्सन का प्रिंटर, और इसमें काफ़ी ख़त्म हो गई थी, जिसमें ये दोनों मैजेंटा और ये सियान, ये दोनों ख़त्म हो गई थी। तो इसमें इंक डालने का सबसे इजी तरीका यही है कि इस तरीके की कटोरी ले लें और उसमें इंक इन बोतलों में से डाल लें। मेरा प्रिंटर बड़ा है, इंक भी ज़्यादा लगती है और प्रिंटिंग भी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं एक एक लीटर की ये बोतल्स मंगवाता हूँ। ये देखिए VMS कंपनी की है और ये कोई प्रमोशन नहीं है VMS कंपनी का, लेकिन हाँ एप्सन के प्रिंटर के लिए VMS कंपनी की इंक जो ये लगभग मैं 2 साल से चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल इंक की तरह सूटेबल रहती है। तो इस तरह की कटोरी में इसको डाल लो और इंजेक्शन ज़रूर लेना एक साथ में, और आराम से इनके अंदर रिफिल कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी सीसी आती हैं 100-100 ml की, वो तो डायरेक्ट इसमें लग सकती हैं, लेकिन इन बोतलों में ऐसा कोई कंपनी वालों ने दे नहीं रखा है जिससे हम डायरेक्ट इसमें डाल सकें, इसलिए इंजेक्शन और इसमें करके डालना पड़ता है। अब इसमें मैं पुर लेता हूँ, इतनी कितनी और कमी रह गई है बस। अब इसको मैं रख लेता हूँ इसके पास, ओके। और ये हमने इंजेक्शन से लिया, और इस तरीके से इजीली डाल दिया। इस प्रिंटर में क्या किसी और प्रिंटर में भी इंक इसी तरीके से ही डालनी चाहिए, अगर बोतल बड़ी है या इंक डालने का कोई समाधान नहीं निकल रहा है तो, अगर कोई सलूशन नहीं है तो ये तरीका काफ़ी बढ़िया रहेगा, इफेक्टिव। और इसमें एक तरफ से लग गई है, तो हम इसको एक को बंद कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें 1x1 अब इस वाली कटोरी को पहले साफ़ करना है पानी डाल के, तब हम स्लेट डस्ट पैन भी लिया है। अब हम जो इनमें से और दूसरी जो इंक है अब वो डालेंगे, और इसी तरीके से हम इस प्रोसीजर को बार बार जब तक पांचों इंक फुल नहीं हो जाती हैं, इस तरीके से इंक को डालना चाहिए।